हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा हॉलो फैक्ट्री। इट्स समथिंग डिफरेंट। जिंदगी बेहतर है, लेकिन और बेहतर हो सकता है। बिलीवर्ड जर्नी पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट वन में हमने बताया था किस तरह आप बिलीवर्ड में जा सकते हैं और जाने के बाद किस तरह वहाँ पे टाइम बिता सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने पार्ट वन मिस कर दिया है तो पार्ट वन आपको इसी वीडियो की राइट साइड में जो आई बटन है, आई बटन में लिंक देखने को मिल रहा होगा, उस लिंक में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मोबाइल से व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ मोबाइल की वीडियो की जो टाइटल है उस टाइटल में क्लिक कीजिए, तो आपको सामने आपके सामने वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, अगर पार्ट वन नहीं देखे तो देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पार्ट वन में जो है पूरा डिटेल सुबह के टाइम पे फर्स्ट आपके बिलीवर्ड में क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल आइडिया आपको मिल जाएगा वहीं से। ठीक है, और वहाँ पे जो खास बात है कि 10,000 लोगों को एक साथ बिठा के खाना खिलाने का जो बंदोबस्त किया जा रहा है, वहाँ पे पूरा जाके खाना खाया है, क्या खाना खाया है, पूरा डिटेल में आपको वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो पार्ट टू में अभी के टाइम पे सेकेंड हाफ में क्या होता है बिलीवर्ड में उसके बारे में हम पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप घर बैठे हुए ये अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने जो दोस्त हैं उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहे तो बेल बटन को हिट कर देना, जैसे कि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आपको कभी भी मिस ना हो। ठीक है, और आपकी सब्सक्राइब से हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिलता है, जैसे कि हम हमारे चैनल को और भी आगे ले जा सके। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए सेकेंड हाफ शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए हमको क्या देखने को मिला, मिलिट्री एडिशन जिप्सी। जी हाँ, ये जो जिप्सी है एक्चुअली नॉर्मल पब्लिक के लिए अभी के लिए तो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फोर्स सेलों की ये जिप्सी है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए मेन गेट के सामने कितना सारा मैसिव भीड़ अभी इकट्ठा हो गया है। ठीक है, क्योंकि 3:30 बजने में अभी कुछ ही सेकेंड बाकी है और कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेन गेट, तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा मैसिव लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं कि अंदर जाने के लिए, तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर गेट ओपन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन कैसा है, कि लोग किस तरह लाइन में खड़े हैं अंदर जाने के लिए और कितना मतलब उत्तेजित है अंदर जाने के लिए कि कब वो लोग अंदर जाएगा। तो अब से अंदाज़ा लगाइए अब आपके घर बैठे बैठे कि कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि आज संडे के दिन है। ठीक है ना, तो देखिए अभी गेट ओपन हो चुका है, तो गेट ओपन होने के बाद अब देखिए कि कितना लोग एक साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा बाद में जाता हूँ, क्योंकि देखिए इतना जो लोग है ना, थोड़ा सा मैंने भीड़ को थोड़ा सा हल्का होने दीजिए, फिर हम अंदर जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, लोग बोलते हैं मुझे पता नहीं है एक्चुअली होता है या नहीं होता है। तो देखिए कितना लोग यहाँ पे एक साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जूम कर पा रहा हूँ, वहाँ तक लोग ही लोग हैं। ठीक है, तो कितना लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, कितना सारा लोग यहाँ पे आए हुए हैं संडे के दिन में। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा फिर हल्का होने के बाद मैंने सोचा कि अंदर एंटर किया जाए। तो देखिए अंदर आने के बाद जो मेरे राइट साइड में मैंने देखा कि गोल्फ कार्ट, जी हाँ ये वो अच्छा लोग GTA वाइस वगैरह वो जो गेम खेलते हैं वहाँ पे जो गोल्फ कार्ट देखने को मिलता है, ग्लोई वाला गोल्फ कार्ट है मेरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हॉल था अभिनंदो, जो मॉर्निंग के टाइम पे पार्ट वन मैंने आपको दिखाया था कि पार्ट वन में हॉल तो उस टाइम पे भी खाली था, लेकिन अभी कुछ स्वामी जी वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है। तो मॉट के जो काम करने वाले लोग थे, मैंने पूछा कि भाई क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं वापिस के लिए, क्या ओपन नहीं दिखे, उसने बोला नहीं हम वापिस नहीं जा सकते। ठीक है, तो देखिए बोला जो मॉट भाई साहब ने बोला ये काम करने वाले भाई साहब ये बोला ही वहाँ पर हम ही आ सकते, क्योंकि वो नॉन पब्लिक के लिए तो नहीं है, वो सिर्फ मॉड वालों के लिए यूज़ करने का चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे मॉड वाले पर्सनल कार्ड भी यूज़ करते हैं अंदर। ठीक है, मतलब जाने के लिए आने के लिए। तो पर्सनल मॉड के अंदर काफ़ी प्रॉपर्टी है और वो जो प्रॉपर्टी है वेल मेंटेन है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके ना खाए, बिल्कुल वेल मेंटेन है। सबको लो एंगल से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन यहाँ पे आज आए हुए। ठीक है, आपको शायद ठीक से आइडिया नहीं हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे लाइव मौजूद हूँ, तो मुझसे ज़्यादा पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं और एक साथ इतना ज़्यादा लोगों को देखना है, अलग से एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इस एवं जो राइट साइड से आप जा सकते हैं कि टॉयलेट में। ठीक है, टॉयलेट की तरफ आप ये राइट साइड में जा सकते हैं। ठीक है, तो
अब अगर यहाँ से सीधा जाते तो टॉयलेट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए थोड़ा सा रुके थे, तो वही से शूट किया था कि किस तरह एंगल और किस तरह व्यू यहाँ से आते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ सीधा टॉयलेट है और राइट साइड में म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में मैंने जाना सही नहीं समझा, क्योंकि फिर से मेरा चप्पल उतरने के बाद फिर से इतना ज़्यादा लोगों के बीच में जाना होगा और सेमी चीज़ में, तो इसीलिए मैंने चलो ठीक है थोड़ा सा अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने के बाद देखिए, अंदर चलने के बाद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कितना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अगर आप सुबह के टाइम पे देखोगे ना जो पार्ट वन वाले पे, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा लोग था, मतलब कितना लोग था, और अभी के टाइम पे कितना लोग है, तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में लोगों का डिफरेंस, मतलब एक मैसिव ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो बात ऐसा है, चूँकि काफ़ी लोग बिजी है अपने अपने काम में, कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा, ध्यान से देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अतरंगी लोग यहाँ पे, ठीक है, सारे लोगों को कैप्चर हमने किया है। तो एक्चुअली बात ऐसा है, तो अभी के टाइम पे ना, शाम के टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी अच्छा देखने को लगता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है अभी के टाइम पे। तो जैसे कि मैंने इसके आर्किटेक्चर की बात ही किया था, तो किस तरह इसे बनाया गया है, ये जो मेन जो मंदिर है, मेन जो मंदिर के जो बाहर का जो सीन है, जो दिक्कत, तो मुझे लगा था जो मार्बल है वो बाहर दीवार पर चिपकाया गया है, उसके ऊपर थोड़ा सा पेंट वगैरह कुछ किया गया है, या जो मार्बल है उसका ही कलर ऐसा, इसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं। अगर कोई लोग मतलब किसी को पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताना, जैसे कि सभी लोगों को पता चले इसके आर्किटेक्चर के बारे में, क्योंकि ये जो चीज़ है ना एक काफ़ी यूनिक सा आर्किटेक्चर है और दुनिया में कहीं पर भी ऐसा आर्किटेक्चर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको दिखाया, ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा माउंट वालों का प्राइवेट सीन है। ये आप देख सकते हैं कि फेरिंग की तरफ जो जो रास्ता जाता है उस साइड पे, तो उसी साइड से अंदर जाने के बाद, मतलब अंदर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक बिल्डिंग जैसा कुछ था, मतलब एक मंदिर जैसा था, कुछ काम भी चल रहा था और बहुत सारे लोग यहाँ पे जा रहे थे, मतलब कुछ फिर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना क्या चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाया जाए। तो देखिए, यहाँ पे आने के बाद मुझे जो लगा नीचे क्या है, देखिए नीचे जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का एक फोटो वगैरह कुछ है, देखिए एक मूर्ति वगैरह कुछ ऐसा कुछ है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, हाँ फोटो है। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर जाके देखता हूँ कि ऊपर क्या है। तो ऊपर से थोड़ा सा व्यू अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं कि अंदर ऊपर क्या है जो इतना ज़्यादा फिर यहाँ पे लगा हुआ है। साइड प्लेस। हाँ जी, देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे शिव जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे शिव जी दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली शिव जी महाकाल है और इसीलिए इतना ज़्यादा फिर मतलब लग रहा है। शिव जी का जो भक्त है ना, उसका जो क्वान्टिटी है सबसे ज़्यादा है, जय बम बम बोल है क्या होता है। तो बात एक्चुअली ऐसा है, तो ऊपर से ऐसा ही कुछ व्यू आपको देखने को मिलता है। चलो नीचे मेरा दोस्त वेट कर रहे थे, तो चलो नीचे जाते हैं। इसके जो डिज़ाइन वगैरह है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है भाई, मतलब यहाँ पे जो आर्किटेक्चर, मतलब कौन है इसका जो मतलब मिस्त्री है, जो बोलते हैं कौन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन है, हर एक एंगल को बारीकियों से किया गया है। ठीक है, तो इस साइड से थोड़ा सा प्राइवेट प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है मॉट का, और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो पूरा हमने घूम के आपको दिखाने की कोशिश किया है कि एक्चुअल में व्यू कैसा है। ठीक है, आप अगर आपके घर में बैठे इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा कि आप अपने घर में बैठे इस तरह लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं ब्लू मोट को। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहता है वो बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, जैसा कि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। ठीक है, और
याद रखने के सब्सक्राइब करना फ्री है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपकी तरफ से हमें छोटी सी हेल्प हो जाता है और आपकी हेल्प की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो देखिए, या फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है, मतलब थोड़ा सा काम चल रहा है, तो वही है, बांस वगैरह कुछ बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गार्डनिंग की कोशिश किया गया है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे भी आपको पेड़ दिखाई देने को, मतलब पेड़ दिखाई देगा आने वाले टाइम पे। तो इसलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं नीचे, मतलब बाकायदा लेटे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक औरत था, इसको मैंने देखा कि यहाँ पे लेटे हुए हैं। एक्चुअली बात ऐसा है कि मुझे लगता है कि लोग ना बहुत दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत दूर ट्रैवल करने के लिए दो लोग थक गए होंगे, तो थकने की वजह से यहाँ पे लोग लेटे भी हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे लेटे हुए दिख जाएगा। एक्चुअली लोगों का जो छुट्टी के दिन के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, मतलब छुट्टी के दिन जो एंजॉय करने के लिए। तो ये जो मेन रिवर है, जो बंगाल का जो मेन रिवर है गंगा, ठीक है, जो गंगा रिवर के पास में ये बेलूरमठ है, जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पीछे अभी है रिवर गंगा, ठीक है, तो रिवर गंगा के पास में बेलूरमठ है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बाहर से, मतलब आउट ऑफ स्टेट से आते हैं वेस्ट बंगाल के बाहर से, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बेलूरमठ के अपोजिट साइड में भी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे है, जिसका नाम है दक्षिणेश्वर, ठीक है ना। तो रानी राजमुनि जो है वो उसने जो इसको इस्टेब्लिश किए थे बहुत दिन पहले, तो मतलब उसके टाइम काल में रानी राजमुनि जो बंगाल का काफ़ी मतलब जाना माना नाम है, तो एक हिस्टोरिकल है माँ काली का जो है उसका टेम्पल है दक्षिणेश्वर, जहाँ पे वो अजय देवगन भी आए थे उसका फिल्म के लिए, ठीक है, मतलब फिल्म की जो प्रोड्यूस होने से पहले, ठीक है ना, जब वो लोग कलकत्ता में शूटिंग कर रहे थे उस दौरान, ठीक है, क्योंकि ये है ना जाना माना मंदिर तो या फिर वो आर्ट है, तो वो जैसा की बात हो गया है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, ये वाला जो मंदिर था यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, और उसके बाद फिर से जूता उतर के जाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने बाहर से आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ है, तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप आके देख लेना, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग से नहीं है अंदर। वहाँ पे निकलने के बाद अब मुझे सामने दिख गया कि ड्रिंकिंग वाटर का एक सोर्स, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा मैं कि पॉइंट वाइट में ना आपको ड्रिंकिंग वाटर का एक सोर्स देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। जो लोग मतलब पानी के कोई भी दिक्कत नहीं होगा पानी को लेकर, ठीक है, तो इस तरह कुछ सही नहीं इस साइड का। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा ज़मीन मठ के पास है, जो मुझे लग रहा है कि इतना सारा लोगों को एक साथ मतलब कैप्चर कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ है, तो इस अभी के टाइम पे देखिए कितना अच्छा व्यू यहाँ पे मिल रहा है। जो व्यू आप देखिए एक अमेजिंग सा व्यू है, अभी के टाइम पे जो थोड़ा लाइट थोड़ा सा कम है, तो अभी लगभग अब 4 बज चुके हैं, ठीक है, ये शाम को 4 बज चुके हैं, मतलब 4 PM। तो देखिए ये बच्चे पेड़ पे कूद मतलब चलने की कोशिश कर रहे थे, क्या बताए बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा व्यू यहाँ पे अभी लगे हुए हैं, पता नहीं कब तक भीड़ जाएगा, क्योंकि लगभग 8:30 बजे तक यहाँ पे ओपन रहने वाला है, तो मेरे ख्याल से मैं उतना देर तक आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो जैसा है ऐसा है। ये जो साइड है ना, ये वाला साइड में मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये जो साइड है इस साइड में आके आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल जो स्वामी विवेकानंद का जो लिविंग रूम था
लिविंग रूम इधर सामने आप सीधा देखिए, सीधा हाँ, ये जो सीधा है ये लिविंग रूम, ठीक है। देखिए बच्चे माँ को परेशान करते हैं, ठीक है, क्या करें। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको ये दिख जाएगा कि लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को अंदर का जो चीज़ें वो पता नहीं होता है, तो वो लोग बाहर ही फोटो खींच कर मतलब वापस चले जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि लिविंग रूम देखना स्वामी विवेकानंदों का, तो आप आके देख सकते हैं लिविंग रूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा वैसे एक आर्किटेक्चर देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो गार्ड लोग है, गार्ड लोग पूरा विस्टल बजा बजा के फील्ड को निकल रहे थे। देखिए पूरा विस्टल बजा बजा के फील्ड को हटा रहे हैं, क्या कर। इन लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भीड़ हटाओ भीड़ हटाओ, मतलब लोगों को चैन से बैठने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो क्या कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी लोग मतलब लोगों को जो करना है ना वो कर ही लेते। यहाँ पे हर जगह पे बोला गया है फ़ोटो नहीं खींच सकते, ठीक है, फोटो खींचने मतलब अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कर लेते हैं, ठीक है। लोग अब मतलब लोगों को ना अब रोक नहीं सकते इसे काम के लिए। आप किसी को भी रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है। तो मैं एक बात फिर बोलना चाहूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मैंने काफ़ी देखा कि जो इसका मिसेज है इसको काफ़ी स्टाइल में आए हुए हैं, लेकिन कि मिस्टर है मिस्टर उतना स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि दोनों का जो आउटलुक है दोनों का एक साथ अगर पूरा कपिल अगर स्टाइलिंग की बात करें तो उतना अच्छा मैचिंग नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा अगर आप दोनों एक साथ बाहर निकल दे तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप दोनों का जो फैशन सेंस है वो मतलब मैच होना चाहिए, वो देखने में थोड़ा सा ऑड लगता है। तो इसीलिए ये मेरा एक मतलब जस्ट एक ओपिनियन होगा, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, ओके। तो बात ऐसा है, तो यार इस साइड में आप देखने की कोशिश कीजिए। तो मेरे ख्याल से मैं अभी बाहर निकलने की कोशिश करूँगा, ठीक है, को अभी आपको दिखा दे लगभग एक घंटा बीत गया। एक घंटे के बाद मैंने सोचा कि उन्हें बाहर निकल लिया जाए, क्योंकि अभी उतना और इंटरेस्ट नहीं है मुझे कि और भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे रह जाए, ठीक है। तो अभी के टाइम पर बहुत सारे लोग फिर भी आते जा रहे हैं। ये कंडीशन देख के मुझे मैं तो पक्का हूँ कि 8:30 बजे तक यहाँ पे लोग मतलब लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, 8:30 बजे तक मतलब रात की 8:30 बजे तक यहाँ पे लोग रहने वाले हैं। तो सोच लीजिए, ठीक है, पीछे उतना टाइम तक ही यहाँ पे ओपन होता है। तो देखिए ऐसा है, तो चलो वापस आ जाते हैं हम। एक्चुअली हमको जाना था टॉयलेट, ठीक है, तो हम धीरे धीरे से टॉयलेट की तरफ जाएंगे। तो देखिए कितना सारे लोग हैं जो कि फ़ोटो खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं पेड़ के अंदर। ये जो पेड़ है, पेड़ कौन सा पेड़ मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम पे दिखाया था पार्ट वन की वीडियो में आपको दिखाया था कि इस साइड है कि आपके चप्पल रख सकते हैं, अगर आपके जो चप्पल बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड है तो सेफली फ्री में आप रख सकते हैं। इसको साइड में रखते हुए अगर हम यहाँ पे टॉयलेट की तरफ आते हैं तो देखिए उस साइड में सीधा आपको लेडीज देखने को मिल जाता है और पे जेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जो बिल्डिंग है यहाँ पे देखने में काफ़ी बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे जो अंकल जी है ये लोग टिकट काउंटर में बैठे हुए हैं, मतलब टॉयलेट के लिए आपको 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़, मतलब टॉयलेट के लिए 2 रुपीज़, अगर आप पॉटी करना चाहते हैं तो इसके लिए 5 रुपीज़, ठीक है। ये लोग काफ़ी एक्टिवली इतना एज होने के बाद भी काम कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने यहाँ से टिकट कलेक्ट कर लिया है कूपन, तो मैं आपको कूपन दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह लिखा हुआ है कूपन, ठीक है। तो चलिए ये रहा कूपन, दे दो कूपन, हाँ ये रहा कूपन, बेलूर मठ शौचालय बंगाली में लिखा हुआ है, तो जो 2 रुपीज़ का है, ठीक है, तो 2 रुपीज़, हाँ यहाँ पे देखे मैं, देखिए यहाँ पे जो है ना साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो
तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना कि आप जो 2 रुपीज़ टिकट करके 5 रुपये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप एक बार अंदर जाने के बाद कोई आपको चेक करने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही साथ 2 मिलता है। तो यहाँ पे आपको 3 रुपया सेलिंग कर सकते हैं अगर आप मेरे बात मानते हैं। दिस इज आइडिया, चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इसको साइड में रखते हुए हम वापस आ जाते हैं। एक्चुअली ऐसा ही है, और अभी के टाइम पे मैं वापस आने लगता हूँ। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था तो कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे जो है ना, आपको एक छुट्टी के दिन अगर आप आते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली बात ऐसा है, तो आप चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पे। तो पूरा डिटेल मैंने मुझे दे दिया है आपको पार्ट 1 की वीडियो में। रास्ते में आते हुए हमने बहुत सारी चीज़ देखा। ये जो MT है, MT-50, जो कि एक यामा की एक जो नेकेड बाइक है, जो कि यूथ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। जो सिंगल राइडर के लिए तो बेस्ट है, लेकिन अब पिलियन जो है बहुत ही छोटा पिलियन है। तो एक एडवांटेज है। तो हम एक और गाड़ी देखी कि एक CUV 7 डबल, जो कि काफ़ी एक पॉपुलर आते आते हमने देखा कि आप फिर काम रहा, छुट्टी से काम रहा, अभी आप फिर सेल्फ कर रहा था एक आदमी बाहर। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।